हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को ये परी तोरण बनाना सिखाएंगे। हमने इसमें 2 कलर की ऊन ली है और 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये हमने 14 इंच बड़ी ट्रे ली है, आप कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह ले सकते हैं। और ये 7 इंच बड़ा ये टिफिन का ढक्कन ले लिया है हमने। अब हम इस ट्रे में ऐसे धागा बांध लेंगे और इसको इस तरह से, ये देखिए, ऐसे लपेट लेंगे। हमें इस धागे को एक के ऊपर एक नहीं लपेटना है, बिल्कुल बराबर बराबर में ऐसे लपेट लेना है, देखिए इस तरह से। और हमें ये 60 बार लपेटना है, यानी 60 टाइम। हमने 60 बार लपेट लिया। अब हम इसको ऐसे करके इसमें मार्क्स लगा देंगे ये दूसरे ऊन से, जिससे कि धागे इधर उधर ना हो और हमें डॉल बनाने में कोई परेशानी ना हो। मुझे मैंने अपने चैनल में एक डॉल और बना के डाल रखी है, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि वो समझ में नहीं आई, इसलिए मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये दोबारा बनाकर बता रही हूँ। तो हमने ये ऐसे इसको एकदम आराम से रख लेंगे और इसको बिल्कुल ना इलझाएं, इस तरह से सीधा करके आराम से रख लें। अब हम ये 7 इंच के ढक्कन पे इस तरह से बांध के इसको हम 30 बार लपेट लेंगे, 30 टाइम्स इस तरह से। ये देखिए हमारा धागा एक के ऊपर एक नहीं जा रहा है, इस तरह से हमने बराबर बराबर कर लिया है। और इस तरह से हम इसको, ये हमने 30 बार लपेट लिया है। अब हम इसको यहाँ पे, हम जो ये हमारा ये बाजुओं का डिज़ाइन है, हम इसको इसी के ऊपर बना लेंगे, वरना बाद में बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। इस पे क्या है, ये आसानी से बन जाता है। ये देखिए हम इसमें से ये क्रोशिया डालेंगे 2 धागों में से, और इस तरह से 3 बार सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे और फिर 3 की चेन बना लेंगे। और फिर ये देखिए 2 धागों में से, ये देखिए इस तरह से, इसमें से भी हम 3 बार सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे, आप चाहें तो डबल क्रोशिया भी कर सकती हैं। ये हमने निकाल लिया और फिर 3 की चेन बना ली। अब हम इसमें से इसी तरह से हम सभी धागों में से इसी तरह से ये सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। हमारा, हमें जो सिंगल क्रोशिया करना है ये 15 टाइम्स करना है। जैसे हमने 30 बार लपेटा था तो हम 2 2 धागे ले रहे हैं एक साथ, तो हम ये इस तरह से, ये देखिए हमने 15 टाइम्स ऐसे कर लिया है। इधर से भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अब जो हमने ये धागा लपेटा था, ये इसको हम क्रोशिया में डाल के ऐसे ले लेंगे। मैंने जो ये तोरण बनानी बताई है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी बनानी बताई है, आप इसको एक ही बार में बना सकते हैं आराम से, और इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बना बताई है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन इसमें आप एकदम आसानी से सीख सकते हैं बनाना। ये देखिए हमने ये यहाँ से 1-1.5 इंच छोड़ के ये बांध लिया है। अब हम इसको आराम से निकाल लेंगे टिफिन में से, इसको इस तरह से फैला के डबल करके, ये देखिए, और इसको ऐसे एक जगह ला के यहाँ से निकाल लेंगे बीचों बीच, ये देखिए। ये इस तरह से हम ये बाजू ऐसे बना लेंगे और इसको यहाँ से ये ऐसे करके एकदम बराबर कर लेंगे बाजुओं को। उसके बाद हम ये इसको बांधेंगे। ये देखिए
और अब हम ये नीचे से इसका ये काट लेंगे धागा जो हमने मास्क लगाया हुआ था, और इसको हल्के हाथों से धीरे धीरे ये इस तरह से फैला लेंगे ऐसे। और इसमें भी हम ये दो दो धागे ऐसे लेंगे जिस तरह से हमने ये डिजाइन बाजुओं में बनाया था, इसी तरह से डिजाइन हमें इसमें बनाना है नीचे। ये देखिए हमें इसमें से 3 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने ये अब 3 बार डबल क्रोशिया करके 3 की चेन बना ली है, और फिर 2 धागे लेके हमें इसको बिल्कुल भी हिलजाना नहीं है उनको, और इसी तरह से तीन बार फिर से डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमें ये पूरा फ्रॉक बना लेना है। ये देखिए हमने इसी तरह से पूरा बना लिया है, और लास्ट में इसको गांठ लगा देंगे। ये हमारा फ्रॉक ऐसे बन गया। अब हम ये इसको ऐसे फैला के देख लेंगे कि ठीक आ रहा है या नहीं। ये हमें जितनी डॉल्स की तोरण बनानी है उतनी डॉल बना लेंगे पहले। अब हम इसकी पट्टी बनाएंगे जिस पे हमें ये लगानी है। मैंने पट्टी थोड़ी डिफरेंट डिज़ाइन की बनाई है। सबसे पहले हमने ये 12 की चेन बना ली है, और इसमें ये ऐसे करके ये देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशिया ले लिया है। ये देखिए यहाँ से अब हम हर चेन में से ये सिंगल क्रोशिया या डबल क्रोशिया ले लेंगे इस तरह से, और पूरी चेन को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने कंप्लीट कर ली। अब हम वापस आएंगे, इसमें थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे। हम ये फर्स्ट होल में से एक बार डबल क्रोशिया ले लेंगे, फिर दूसरे होल में से भी डबल क्रोशिया ले लेंगे, और ये तीसरे होल में से भी हम ये डबल क्रोशिया ले लेंगे। अब हम ये देखिए यहाँ से ये 2 होल छोड़ के 1 और 2 होल छोड़ के ये तीसरे होल में से हम इस तरह से चेन को निकाल देंगे। हमने इसमें 2 होल छोड़े हैं बीच में, और तीसरे होल में से इस तरह से 5 बार निकाल लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से ऐसे 5 बार निकाल लिया है। अब हम फिर से इसमें हमारे 3 होल बच गए हैं। अब हम उन 3ों में से फिर से डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। ये इस तरह से ये देखिए इस तरह का हमारा डिज़ाइन बन गया है। हम इसी तरह से एक के ऊपर एक डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे। जैसे ये इसमें से डबल क्रोशिया है, फिर डबल क्रोशिया है, 3-3 बार दोनों साइड में डबल क्रोशिया है। ये देखिए अब हम फिर से ऐसे ही 2 होल छोड़ के तीसरे में से 5 बार ये हमने 5 बार कर लिया। अब हम फिर से 2 होल छोड़ के इधर से ऐसे कर लेंगे। इससे हमारी ये पूरी पट्टी बराबर बराबर आएगी।
और थोड़ा डिजाइन भी डल जाएगा पट्टी में। इसी तरह से हम ये पूरी पट्टी बना लेंगे। ये हमने इतनी पट्टी बना ली है, अब हम इस पर आपको चारों साइड डिजाइन बनाना सिखाएंगे। ये इस तरह से धागा लेके एक ही जगह से हम दो बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और चार की चेन बना के फिर इस तरह से फिर दो बार इसी तरह से हम ये पूरी पट्टी के चारों साइड कर लेंगे। ये इस तरह से देखिए इसी तरह से हमें चारों साइड कर लेना है। ये हमने पट्टी के चारों साइड ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे हम इसमें डॉल लगाएंगे। ये देखिए ऐसे करके हम यहाँ पे पहले मार्क्स लगा के देख लेंगे कि हमारा ये डिजाइन कहाँ पे ठीक आएगा, और ये इन दोनों बाजुओं को जोड़ के और इस तरह से फ्रॉक को फैला के देख लेंगे कि कहाँ तक ठीक आ रहा है। अगर आप और ज़्यादा बार भी और घना फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो ये डॉल का जो फ्रॉक है उसको ज़्यादा बार ऊन लपेट लें इस पर। अब हम ये डॉल की पहले कैप बना लेते हैं। तो हमें ये चेन बना लेनी है एक, ये देखिए हमने इतनी बड़ी चेन बना ली। हमने ये चेन इतनी बड़ी बनाई है जिससे कि ये ढक्कन के चारों ओर आ सके बराबर एकदम। ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, जितनी इसके ढक्कन के चारों ओर आ रही है बस इतनी बड़ी बनानी है। और फिर हर होल में से दो दो बार सिंगल क्रोशिया ले लेना है। हर होल में से दो दो बार हम ये डॉल की कैप बना रहे हैं, उससे ये जो डॉल है और भी सुंदर लगेगी। ये हमने हर होल में से दो दो बार निकाल लिया। देखिए अब हम अगले वाले में हर होल में से दो दो बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। पहले भी हमने दो दो बार किया और इस बार भी हम दो दो बार कर लेंगे। इससे क्या है, इसका जो कैप है वो बहुत ही सुंदर बन के आएगा। ये देखिए हमने इस तरह से कर लिया, ये इस तरह से ये जो टोपी की झल्लर बन गई है। अब हम इसको यहाँ से काट देंगे। अब हम ये ढक्कन के चारों ओर फेविकॉल लगा लें या फिर गम लगा लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। और इसमें ये फेविकॉल लगा करके ऊन को चिपका लेंगे चारों ओर से, और इसको थोड़ी देर सूखने दें तभी चिपकेगी ऊन, नहीं तो चिपकेगी नहीं इसके ऊपर। ऐसे लगा के इसको चिपका लें। ये देखिए इस तरह से हम देख लेंगे इसके चारों ओर आ रही है या नहीं। अब हम ये कैप को ढकने के लिए एक और थोड़ा सा टोपी का हिस्सा बनाएंगे। ये जो हमने एक की चेन बनाई एक होल बना लिया, फिर उसी में से हम ये डबल क्रोशिया ले लेंगे। हम इसमें से कम 15 या 16 बार डबल क्रोशिया ले लेंगे।
ये देखिए इस तरह से हम इतनी बार डबल क्रोशिया ले लेंगे इसमें से जितना कि ये पूरा गोल ना हो जाए। ये देखिए हमारा इतना गोल हो गया है। अब हमने इसमें गांठ लगा ली और ये इसके ढक्कन के ऊपर, या तो आप सुई से इसमें दोनों धागों को आपस में सिल दें या फिर चिपका दें फेविकॉल वगैरह से। मैं इसको फेविकॉल से चिपका देती हूँ और सुखा लेती हूँ। ये देखिए अब हम ये इस झल्लर को ऐसे चारों साइड से ऐसे लगा लेंगे। देखिए आप चाहे तो इसको सिल लें या फिर फेविकॉल से चिपका लें। देखिए कैप भी दिखने में एकदम बहुत सुंदर लग रही है, डॉल की कैप। अब हम ये जो इसका चेहरा है थोड़ा पतला पतला सा दिख रहा है, तो हम इसमें थोड़ी सी कॉटन डाल लेते हैं अंदर और इसको ऐसे बांध लेंगे। ये देखिए इस तरह से आएगी ये। ये इसमें एक धागा लेके इस तरह से ऐसे बांध लेंगे ठीक से। काट लेंगे। अब हम इसको कॉटन को एकदम अच्छे से ढक देंगे चारों ओर से और इसको इसके अंदर, या तो आप इसको चारों साइड से सिल दें या फिर इसको ऐसे चिपका दें या फिर इसको ऐसे ढक के झलर के साथ साथ इसको ऐसे सिल दें इसके ऊपर। ये देखिए मैंने यहाँ से चिपका दी। अब मैं इसके आँख वगैरह बना दूंगी। आप चाहें तो ये, मैं ये दिखाने के लिए बना रही हूँ, आप इसका ऊन से बना दें। ऊन से क्या होगा, वो धुल्ले वगैरह में निकलेगी नहीं और ये कपड़े से इसका मुंह बना दें। इस तरह से बड़ा लग रहा है तो थोड़ा छोटा कर लें। ये मैंने छोटा कर लिया और ऐसे इसको लगा दें। ये देखिए डॉल का डिजाइन बन गया है। अब हम इसको यहाँ पे जॉइंट करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। अगर आपका फ्रॉक थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो आप इसमें कुछ मोती वगैरह लगा लें। ये यहाँ पे हमने ये कुछ मोती लगा दिए, ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और इसका फ्रॉक जो है वो भी अच्छा आएगा। हमने इसमें 15 मोती लगाए हैं। ये एकदम कोने पे लगा लें और सिल दें। ये देखिए हमने इसको सिल दिया और ये दोनों बाजू को एक जगह जोड़ के इसको भी ऐसे इसके साथ सिल देंगे यहाँ पे।
इसी तरह से हम ये दोनों साइड से दोनों बाजू को सिल देंगे और ये इधर से हम दूसरे साइड से फ्रॉक को भी सिल देंगे। ये देखिए हमारा ये डॉल का डिज़ाइन इस तरह से आएगा। आप चाहे तो इसमें लटकन लगाएं या फिर ऐसे भी, ये अच्छी लग रही है और कैप के साथ तो ये और भी सुंदर लग रही है इस तरह से। अब हम इसमें लटकन से लगाने के लिए ये वाइट धागे से ऐसे बना लेंगे और हम इसमें 20 की चेन बनाएंगे, क्योंकि हमने जो ये फुंदने लगाए हैं थोड़ी दूर दूर लगाए हैं। आप चाहे तो घने लगाने चाहते हैं तो आप 10 की चेन बना के लगा सकते हैं। मैंने ये एक डिज़ाइन छोड़ के और ये तीसरे में लगाया है। आप चाहें तो 10 की चेन बना करके हर डिज़ाइन में लगा सकते हैं, आपको अगर घने फुंदने बनाने हैं तो फ्रॉक में। इसी तरह से हम ये चारों साइड से कर लेंगे 20 की चेन बना के। ये यहाँ पे ये हमने बना लिया। अब हम इसका फुंदना बना लेते हैं। हमने ये 10 बार लपेटा है, मेरे पास ऊन कम है मैंने इसीलिए 10 बार लपेटा है। आप अगर मोटे फुंदे बनाना चाहते हैं तो 15 से 20 बार लपेट सकते हैं और इस तरह से बीच में से काट के यहाँ पे ऐसे लगा लें और इसको बांध लें। और इसी तरह से हम सभी फुंदों को बना लेंगे। ये देखिए हमने ये सभी फुंदे बना लिए और ये हमारी जो डॉल तोरण है ये बहुत ही सुंदर लग रही है।